राजौरा में आयोजित किसान सम्मेलन में पूर्व मंत्री नितिन राउत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4 सालों में किसानों के हित में कभी भी फैसले नहीं लिए। किसानों के प्रश्न सरकार का दुर्लक्ष। पूर्व मंत्री नितिन राउत ने राजौरा में आयोजित किसान सम्मेलन में कहा, पिछले 4 वर्षों से भाजपा सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, किसानों की समस्या उसी तरह कायम है। किसानों ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन पूर्व मंत्री नितिन राउत ने किया। पूर्व विधायक प्रभाकर मामूलकर के जन्मदिन के अवसर पर किसान एवं कामगार सम्मेलन तथा कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पूर्व सांसद नरेश फुगलिया तथा विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे, सत्कार मूर्ति पूर्व विधायक प्रभाकर मामूलकर, सुमनताई मामूलकर की उपस्थिति थी। प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर, वामनराव कासावार, देवराव भांडेकर आदि मान्यवर मंच पर आसीन थे। इस दौरान कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन पूर्व मंत्री नितिन राउत के हाथों किया गया। इस दौरान अन्य मान्यवरों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी थी। सीटीवी न्यूज के लिए राजौरा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। देशाचा विकास झाला पाहिजे, देशातला नागरिक सन्मानाने जगला पाहिजे, तो दलित असो, आदिवासी असो, ती महिला असे की तो युवक असो की तो विद्यार्थी असो, यांना समान न्याय या ठिकाणी प्राप्त झाला पाहिजे। आज परिस्थिती अशी आहे की संसद तिकडे सुरू आहे, संसदेमध्ये राफेलचा विषय हा असून उभा आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकरी आवाजून बघताय, शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला, दिल्लीच्या संसदेला घेराव केला, मुंबईला नाशिक वरून पायी पायी शेतकरी त्यांच्या पायाच्या भेगा फाटल्यात, रक्त वाहत होत तरी मुंबईला आले।